हाय गाइस, आज की वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं एक बुक का। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ जो टाइटल लिखा है, द रिडल ऑफ द हिडन ट्रेजर, जिसके राइटर है एनिड ब्लिटन। नीचे आपको ड्राइंग दिख रही है और पार्ट ऑफ द रिडल सीरीज। अगर इसके पीछे की साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख जाता है एक छोटा सा पार्ट स्टोरी का, और नीचे अगर आप देखें तो नीचे आपको मिल जाता है ये उनके लिखे हुए बाकी पार्ट रिडल सीरीज़ के। और ये जो बुक की प्राइसिंग है ये है कुछ 199 रुपीज़, यानी कि 5.99 यूरोस की। और इसके बीच में देखें, अगर इसके पेजेस पर हम गिने तो ये है 192 पेजेस। मतलब जो बुक पढ़ते हैं उनके लिए तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम लोगों को ज़्यादा लगते हैं। और वैसे काफ़ी मतलब पतले पतले पेजेस हैं और ज़्यादा लिखा गया नहीं है, बस कम शब्दों में ज़्यादा बात कही गई है। और अगर आप सोच रहे हो इसके साइज़ क्या है, इसका साइज़ क्या है, तो मैं बता सकता हूँ, हदले में आ सकता है। और एक और कंपेयर चीज़ से करते हैं हम, ये है एसी का रिमोट। तो आप देख सकते हैं इस एसी के रिमोट कुछ ही ये थोड़ा सा छोड़ा हुआ है इसने पार्ट, और ये एक 4 इंच का फ़ोन। इससे तो क्लियरली साबित हो जाए कितनी है इसका साइज़ है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जो भी एनिड ब्लिटन लिखते हैं वो बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ लिखते हैं, क्योंकि इस बुक को जब मैं पढ़ रहा था तो मैं भी उसके अंदर गुम हो गया था। और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि वो जो 3 बच्चे जो खजाना ढूंढने जा रहे हैं अपनी फैमिली का, मैं उन्हें पीछे से फॉलो कर रहा हूँ उनके जंगल में जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं, और जो जो वो कर रहे हैं, जिस जिस घर में घुस रहे हैं, मैं भी वहीं उन्हें पीछे से देख रहा हूँ। बस वो मुझे कुछ छू नहीं सकते, मुझे देख नहीं सकते। और काफ़ी मज़ा आया इस बुक को पढ़ने में, भले ही मुझे बुखार था लेकिन फिर भी मुझे पढ़ने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया। तो इस बुक को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे ये 182 पेजेस की बुक नहीं होनी चाहिए थी और ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि जो स्टोरी थी वो बहुत ही कमाल की स्टोरी थी। और इसे आप कोई भी पढ़ सकता है, बूढ़ा बच्चा हर कोई, और काफ़ी अच्छी थी ये। और मतलब आप सोच रहे हो मैं कंबल में क्यों हूँ, तो मैं बता दूँ मुझे बुखार है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, और मैं लिटरली बुखार में बैठ के बुक पढ़ रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके लिए सॉरी। और ये थी कुल मिला के इस बुक का रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा हो बुक रिव्यू, और अगर आप और बुक रिव्यूज़ चाहते हो तो मैं और बुक रिव्यूज़ लाऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अच्छे कंटेंट हर नीश के लिए। बाय बाय।